हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजमी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गार्लिक नान। गार्लिक नान बनाने के लिए ये मेरे पास आटा है और ये थोड़ा सा ग्रीन चिली है और ये थोड़ा सा गार्लिक है। इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है और उसके साथ मेरे पास बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा नमक है और उसके साथ थोड़ा सा गर्म पानी है। फ्रेंड्स, चलिए अभी हम अपना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आटा डाल देती हूँ। ये मैं यहाँ पे आटा ले रही हूँ। इसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा लेंगे इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये गुनगुना पानी डाल के एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए ढक के रख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी 30 मिनट्स हो चुका है तो अभी हम इसको बेल देते हैं। थोड़ा सा पाउडर डाल के इसको बेलेंगे। थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको। ये देखिए, इस साइज का रखेंगे। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे और थोड़ा सा ग्रीन चिली। इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे अच्छे से। अभी हम इसको तवा पर डाल देते हैं और इसके पीछे के साइड में पानी लगाएंगे। इसके पीछे के साइड मैंने ये पानी लगा दिया है। अब हम तवा के ऊपर इसको डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। ये देखिए, ऊपर से ये बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहो तो बाद में इसमें बटर लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी इसमें ऑयल लगा रही हूँ। और फिर इसको पलट देते हैं। गैस के फ्लेम को कम कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। ये देखिए, ये अभी रेडी हो चुका है। अभी हम इसको निकाल देते हैं। ये देखिए, ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।